चाहोगे? धन्यवाद धन्यवाद, आपने जो खाना दिया इसके लिए धन्यवाद, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। तो ये जो काम होता है इस तरह का, क्या हमारे देश में इस तरह के काम से जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसमें बढ़ावा मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, और एक ही होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक ही है, सब एक ही। बहुत शुक्रिया। देखिए अग्निवीर, रेलवे की भर्ती थी, 2000 भर्तियों के लिए हजारों लोग आए थे और उनको खाने पीने की लगातार समस्या हो रही थी। इसी को देखते हुए ताज का लंगर ने अपनी तरफ से फ्री में खाना बांटने की सुविधा मुहैया कराई अग्निवीरों के लिए। ये खूबसूरत मंजर देखकर अगर आपका दिल खुश होता है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब। बेहतरीन वेज पुलाव और बेहतरीन दाल के साथ अग्निवीरों का इंतज़ाम किया गया है, फ्री मील्स। लोग आजू बाजू के गांव से, अमरावती, आकोला, गर्जी, अलग अलग जगह से और तहसील से, गांव से आ रहे हैं। कोई 500 रुपए लेकर अपने घर से निकला है, कोई 2000 रुपए लेकर निकल रहा है, और उन्हें दो दो तीन तीन दिन अगर रुकना पड़ रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कम से कम एक हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू है। जब ताज का लंगर वालों ने वहाँ ये देखा कि युवा पीढ़ी बहुत परेशान है, कई बच्चे अपने घरों से बहुत कम पैसे लाए हैं और किसी से मांग भी नहीं पा रहे हैं, तो ये देखते हुए ताज का लंगर कमेटी ने मीटिंग की और फ्री में खाना बांटने की एक मुहिम को आज से शुरू किया है। आप भी इनकी इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में, हर पेज पर शेयर करके। बने रहे NNTV के साथ। जय हिंद। इनकी भी इंटरव्यू लेंगे, लेकिन अभी सब बिजी है और इन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना बेहतरीन बच्चा भर्ती के लिए आया था और उसके अकाउंट में वो 2000 रुपये रखा था, ताकि जेब में नहीं रखा था ताकि चोरी ना हो, और जब वो बंदा ATM गया 1500 रुपये निकालने के लिए तो उसे मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन ATM से पैसे नहीं निकले। अब बताइए कि उस बंदे के अकाउंट से पैसे कट गए, 2 से 3 दिन, कम से कम 10 दिन पैसे वापस आने में लगेंगे। अब उसके पास जाने को भी पैसे नहीं थे अपने घर, तो ऐसे में ये बात ताज का लंगर को पता चली तो उन्होंने उस बच्चे की भी मदद की और लगातार यहाँ अग्निवीरों की मदद करने का संकल्प लिया। आप अग्निवीर भर्ती के लिए आए हो? बहुत शुक्रिया भाई। आप कुछ कहना चाहिए? ये खूबसूरत पैगाम पूरी दुनिया में वायरल हो जाए, खासकर हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ कहीं भी ऐसे अग्निवीर की भर्ती हो तो सभी जो संस्थाएं हैं, NGO है, वो इस तरह का काम करें ताकि थोड़ी सी तो भी राहत लोगों को मिल जाए। ये देखिए लगातार ताज के लंगर का खूबसूरत काम। तो व्यूअर्स, अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने के पहले जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं 50, 50, 100 ग्रुप में, हर व्यूअर्स इस बेहतरीन मैसेज को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है NNTV, हमारे फेसबुक पर पेज है उसे फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। बने रहे NNTV के साथ। जय हिंद।